शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है सुसुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी लगना। और जो ये शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहाँ बैठे हो ना दक्षिण में, तो यहाँ बैठे हो तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना। शिवलिंग के पीछे के भाग में अर्थात जहाँ आप बैठे हो पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहाँ आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है। एक नीला चंदन होता है और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना। आपको पहले भी कथा में बताया कि शंकर भगवान को कुंकू नहीं चढ़ता, रोली नहीं चढ़ती, क्योंकि बाबा को अगर चढ़ता है तो लाल चंदन चढ़ता है। तो लाल चंदन का आप जब लेपन कर दें, लेपन करने के बाद शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको एक कटोरी में, बिंदी कितनी लगेगी जरा सा शहद लगेगा, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर जाना है। उसको लाने के बाद में शाम के समय पर प्रदोष काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया, सूर्य अस्त जब होता है सूर्य अस्त के समय से 1.25 घंटे का जो समय वर्णित किया गया वो प्रदोष काल का वर्णन किया गया महाराज। तो उस समय पर नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। लगभग लगभग 1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत उतना बहुत काजल जैसा लगा। एक कटोरी में जो अपना चंदन लगाया है उस चंदन को निकाल कर लाना है और आंखों के नीचे भाग में उसको समर्पित करना है। ये 2-3 चीजों में काम आता है। एक तो नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, जो चश्मे वाले नंबर है उसको उतारने के लिए। दूसरा, नेत्रों के नीचे जो काला बना जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इस शहद का प्रयोग नारी के जो रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, नारी के रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये शहद काम आता है महाराज। इस शहद का केवल प्रदोष काल के समय इसको चाट लिया जाता है तो उससे भी नारी की जो रजो धर्म से जुड़े हुए प्रॉब्लम होती है उसमें भी उसको अंतर रहता है। तो हाटकेश्वर महादेव और दूसरा जम के बोलिए चंपेश्वर, इसका स्मरण। भोलेनाथ दया करना।